हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवेश में। तो देखिए, इससे पहले एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें मैंने इस नोटिस के बारे में आपको बताया था, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, ठीक है, सोल एन सी पी पेपर रेगुलर के। एक्चुअली बात यह है कि फेक बनाने वाले इस तरीके से इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने टैलेंट हासिल कर लिया है कि इसे पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो एक्चुअली देखिए, फिर हमने इसे क्रॉस वेरीफाई किया जब वीडियो डल चुकी थी, तो इसमें हमें कुछ डिटेल गलत लगी जाए, जैसे कि इसमें एक ऑर्डर नंबर नहीं था, दूसरा इसमें कोई डेट नहीं थी, और तीसरा जो आपको दिख रहा है ना, ये जो इटालियन में ऐसे झुका हुआ लिख रहा है पब्लिक नोटिस, किसी भी गवर्नमेंट के कागज़ में ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं होता, ऐसे फॉन्ट स्टाइल का यूज़ नहीं होता। तो इसे हमने फिर वेरीफाई किया ड्यू से, तो ड्यू से हमें कहा कि ये नोटिस फेक है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने कई स्टूडेंट के मैसेज भी देखे, जी हाँ ये नोटिस फेक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब कई ऐसे फेक नोटिस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे जो फेक नोटिस है वो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय के फर्स्ट सेमेस्टर के सोल एन सी पी पेपर रेगुलर के। इस नोटिस के अकॉर्डिंग ये नोटिस फेक है, स्पैम किया हुआ है, ठीक है, तो ठीक कर लेना। और एक्चुअली मैं क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, हो जाती है गलती, इंसान है तो गलती करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली बात यह है कि बनाने वाले ने भी क्या टैलेंट है, देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी हमने साइड पर देख लिया, साइड पर नोटिस नहीं है। तो एक्चुअली देखिए बात क्या है, बात यह है कि इस नोटिस में लिखा है कि जो आपके एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में कराने के लिए यूजीसी ने बोला है, बट यूजीसी को हमने मेल किया, हमें रिप्लाई भी मिल गया, यूजीसी ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया अभी तक, ठीक है। यूजीसी का कहना है कि ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी किस मोड पर एग्ज़ाम लेगी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात करता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय किस मोड में एग्ज़ाम लेगी आपके, पहली चीज़ ये आप जान लीजिए, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय कि जो DDME की जो बैठक हुई थी, जिसमें कॉलेज और स्कूल 7 फेब यानी 7 फरवरी से ओपन हो रहे हैं, बिल्कुल सच बात है, पर दिल्ली विश्वविद्यालय अभी भी जो आपकी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन में ही चलाएगा, मतलब ये नहीं कि कॉलेज खुल रहे हैं स्टूडेंट के लिए, 7 फरवरी से दिल्ली विश्वविद्यालय स्टूडेंट के लिए नहीं खोल रहा है अपने कॉलेज। दोबारा बता दे रहा हूँ, चाहे आप सोल के स्टूडेंट हो, एन सी बी के स्टूडेंट हो, रेगुलर के स्टूडेंट हो, आपको ऑनलाइन स्टडी ही करनी है, कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो एक नोटिस आया था वो ऑफिशियल नोटिस था, जो मैंने कल डिस्कस किया था, तो वो ऑफिशियल था, ठीक है। तो उसमें साफ बोल रखा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय अपना जो कॉलेज है वो स्टूडेंट के लिए नहीं ओपन करेगा, सिर्फ स्टाफ के लिए ओपन करेगा, जैसी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो चलती रहेंगी, आप लेते रहिए, ठीक है, कंपलसरी नहीं है सोल के स्टूडेंट के लिए। अब जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा, तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकता है। दोबारा बता देता हूं, फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकता है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि हमें एग्ज़ाम किस मोड में लेने हैं। एक्चुअली बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसके लिए 15 फरवरी तक सबसे अपने विचार यानी अपनी राय देने के लिए बोला है कि आप हमें बताइए कि हमें एग्ज़ाम किस मोड पे लेने चाहिए। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, वो कमेटी जितने भी स्टाफ है उनसे पूछेगी, जितने भी रेगुलर के स्टूडेंट हैं उनसे पूछेगी, और उनसे ये राय लेगी कि क्या स्टूडेंट अभी ऑनलाइन वो ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए समर्थ है या नहीं। तो तब दिल्ली विश्वविद्यालय एक फाइनल नोटिस अपनी ऑफिशियल साइट पर निकालेगी, उसके बाद आपको सारा क्लियर हो पाएगा, मैं भी तभी क्लियर कर पाऊँगा। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं कि ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, तो ऑनलाइन के जो चांसेस है वो ऑफलाइन के मुकाबले ज़्यादा है, 90% चांस जो आपके एग्ज़ाम को लेकर है वो ऑनलाइन ही होंगे, क्योंकि आपकी जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट कराई जा रही है, ठीक है। अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही तो एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे तो ये तो कोई बात नहीं होती, इसमें कई स्टूडेंट विरोध करेंगे। तो जो 90% आपके ऑनलाइन होने के चांस है, 10% आपके ऑफलाइन होने के चांस है। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी एक और मोड में भी जा सकती है, जिसे कहते हैं फिजिकल और रिमोट मोड। उसमें क्या होता है, स्टूडेंट को एग्ज़ाम से पहले एक फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट से राय ली जाएगी कि आप जो एग्ज़ाम है
वो किस मोड में देना पसंद करोगे। मान के चलिए कोई स्टूडेंट सोल में पढ़ता है फर्स्ट सेमेस्टर का और वो यूपी में रहता है, मान लीजिए वो नहीं आ पा रहा तो वो वहाँ से एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उस फॉर्म को भर देंगे कि मैं ऑनलाइन देना चाहता हूँ, मैं टिक करके सबमिट कर देंगे तो वो ऑनलाइन देगा। अभी वो फॉर्म नहीं आया है क्योंकि अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ये डिसाइड करने में लगी है कि जो मार्च में जो एग्ज़ाम हम कंडक्ट कराएंगे सोल एनसीपी पर रेगुलर के, वो आपके ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, जिसके लिए अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला है। सिर्फ एक बेंच का गठन किया गया है, कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कमेटी ये फैसला करेगी स्टूडेंट के घर घर जाकर, ऐसा तो बता रहे हैं, वैसे खाना पूर्ति होती है, कोई किसी के घर नहीं जाता, आखिरी फैसला एडमिनिस्ट्रेशन ही करता है। बट मैं दोबारा बता दूँ, 90% चांस है आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम के, 10% आपके जो 10% चांस है वो आपके ऑफलाइन के। तो मेरी सारे स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, स्टडी में कोई भी ऐसी कमी ना छोड़े कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो जाए। मान के चलिए ऑफलाइन हो जाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसे ही आपके एग्ज़ाम का मोड कंफर्म हो जाएगा। फ़िलहाल ऑनलाइन के कंफर्म होने के ज़्यादा चांसेस है। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। फ़िलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है, यही अपडेट है, 15 फरवरी तक सबकी राय ली जाएगी, तब डिसाइड होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।